हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिखा गुप्ता, केमिस्ट्री लेक्चरर फ्रॉम एलपीएस इंटर कॉलेज बुलंदशहर। टुडे आई विल टीच यू ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया था, और ऑक्सीडेशन नंबर वो कॉन्सेप्ट है जिसका पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, उसी ऑक्सीडेशन का यूज़ करते हुए आज मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताऊंगी। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जिसके अंतर्गत हम तीन टॉपिक को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, मॉडल कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स। लेते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग माने ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सी अगर मैं हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। और रिड्यूसिंग एजेंट माने अपचायक पदार्थ। देखिए, किसे कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ और किसे कहते हैं अपचायक पदार्थ। देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में मैं एक रिएक्शन के फॉर्म में ले लेती हूं। सपोज करिए एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। इसमें जो ए है ये भी एक रिएक्टेंट है, बी भी क्या है रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट। देखिए, जब दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, जब रिएक्टेंट ए खुद तो जाता है रिड्यूस होता है, रिड्यूस माने अपचयित, खुद अपचयित हो जाता है और दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ऐसे अभिकारक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ। इसी प्रकार से अभिकारक बी है, सपोज करिए बी है जो खुद तो होता है ऑक्सीडाइज होता है, और रिएक्टेंट ए को रिड्यूस कर देता है, तो इस बी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इट मींस इन अ केमिकल रिएक्शन अ रिएक्टेंट अंडरगोस रिडक्शन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू एनदर रिएक्टेंट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड वाइस वर्सा मींस अ रिएक्शन इन अ रिएक्शन अ रिएक्टेंट व्हिच अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड गेट्स रिड्यूस्ड टू अनदर रिएक्टेंट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको समझ में आ गया कि जो ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं जो खुद तो अपचयित होते हैं और दूसरी रिएक्टेंट को ऑक्सीकृत कर देते हैं उनको ऑक्सीकारक कहते हैं, और जो खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं और दूसरे रिएक्टेंट को अपचयित करते हैं ऐसे रिएक्टेंट को, ऐसे कंपाउंड को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका अपचयन होता है उल्टा ना, जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। देखिए, अब आता है इसका मॉडल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके संबंध में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के संबंध में मींस जो ऑक्सीकरण है और अपचयन है इसके संबंध में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसका मॉडल कॉन्सेप्ट दो पॉइंट्स पर बेस्ड है। उसी के आधार पर मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को समझाऊंगी। तो सेकेंड पॉइंट आता है मॉडल कॉन्सेप्ट। सेकेंड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक अवधारणा। और आधुनिक अवधारणाएं इसके अंदर दो पॉइंट है, दो पॉइंट पर धरा गया है। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और सेकेंड इज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। दो इसके कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। देखिए, फर्स्ट आता है
यानी कि इसको हम कहेंगे आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा और ये ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। फर्स्ट आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। देखिए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि ये गिव एंड टेक पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये गिव एंड टेक, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर आधारित है। वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ उसको हम कहते हैं। जो त्यागता है इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है जैसे हमने भी पढ़ा उसको अपचायक कहते हैं। तो इसके आधार पर क्या चीज आती है, इसमें इसका पहला पॉइंट हो गया एक जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे Na है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये बन गया Na प्लस। Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन गया Cl माइनस। अब इलेक्ट्रॉनिक आधार पे क्या चीज है कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं देते हैं वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपनी अभिक्रिया में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और उस पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ, सॉरी उस पदार्थ को रिड्यूसिंग पदार्थ कहते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें हम जो भी बात कहते हैं वो रिएक्टेंट के ही संबंध में कहते हैं, प्रोडक्ट के संबंध में नहीं। जैसे हमने कहा कि Na ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और बनाया Na प्लस, इट मींस Na का Na प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है, Na Na प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट मींस ये इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। इसी प्रकार से Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये ले रहा है और लेने के बाद क्या बन गया Cl माइनस। तो इस अभिक्रिया में क्या चीज हो रही है, Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, इसलिए इस Cl का क्या हो रहा है इस अभिक्रिया के अंदर, इसका रिडक्शन हो रहा है। और आपने भी पढ़ा है कि जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इट मींस Cl का Cl माइनस में अपचयन हो रहा है, इट मींस इस अभिक्रिया में Cl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या हो गया कि इस अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर। जो त्यागते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। अब आता है सेकेंड कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। देखिए सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यहां पे हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है तो वो क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है तो वो क्रिया कहलाती है रिडक्शन। और आप अभी पढ़ के चुके हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जैसे सेम मैं ये एग्जांपल लेती हूँ कि Na से, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो नहीं करती कि Na से बन रहा है Na प्लस और Cl से बन रहा है Cl माइनस। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो इस Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, जीरो। क्यों है जीरो, क्योंकि Na क्या है यहाँ पर, फ्री स्टेट में है। आपको मैंने एक रूल बताया था कि कोई एटम है या सेम नंबर के एटम से बना हुआ होता है मॉलिक्यूल, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, जीरो। और यहां पर सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस वन,
क्योंकि यहां पर ये आयन के फॉर्म में है तो इसकी हो गई प्लस वन. तो जीरो से क्या हो रहा है, हम गिब्स रिएक्टेंट में देखे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर है जीरो. रिएक्शन के उपरांत आफ्टर रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई प्लस वन, मीन्स इंक्रीज हो गई. और जब इंक्रीज होती है तो इसको ऑक्सीडेशन की क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है. और जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन. अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो, बिकॉज इन फ्री स्टेट में हो गया ये एटम. और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गई माइनस वन. तो यहां पे क्या चीज हो जाएगा, जीरो से माइनस वन जा रही है, इट मींस ऑक्सीडेशन में कमी आ रही है. और कमी आती है तो रिडक्शन मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप ये बता दें, जैसे ये रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, Cl2 gives twice Cl minus. ऐसे भी इसको मैं शो कर सकते हैं, क्योंकि नेचर में क्लोरीन जो है वो Cl2 के फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको मैं ऐसे लिखूंगी तो ज्यादा बेटर है, Cl2 gives two Cl minus Cm. तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. मैं समझती हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक और ऑक्सीडेशन दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर ये मालूम पड़ गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं. अब मैं लेती हूँ इसमें थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि कोई रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन में आपको निकालने का कहा जाए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को ज्ञात कीजिए और उसका रीजन भी बताइए. थर्ड आता है इसका एग्जाम्पल. आपको अगर कोई रिएक्शन दी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई रिएक्शन दी है और उसमें कहा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को छांटिए, उसमें बताइए कौन सा है और उसका रीजन भी बताना है. अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं कि बस खाली सिंपल दे दिया तो, और नंबर पे देखते हैं कि किस नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है, कितने नंबर का है. अगर वो दो या तीन मार्क्स का होता है तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट से बताना है. लेकिन यदि एक नंबर का है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से. लेकिन यदि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से बताइए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से ही बताना होगा. अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बता दिया और आपका बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से पूछा है, इसलिए जो पूछा जाएगा आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना होगा. अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूं. जैसे रिएक्शन है टू ट्वाइस Ni प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस NaCl प्लस I2. ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में कहा जा रहा है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताइए. देखिए, इसको करने के लिए वैसे भी कि हमारी इस रिएक्शन को हमें दोनों कॉन्सेप्ट लेने हैं. फर्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है. इट मीन्स हमें इसको आयन में तोड़ना पड़ेगा. और एक चीज आप बता दें, कई बार हमें होता है आयन को हम वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चे इसको नहीं कर पाते. तो सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें एक रफ वर्क करें कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर तो सीखा ही है, आप हर एक तत्व का जो भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख लें, एक रफ वर्क के रूप में कर लीजिए अगर हमें ये कॉन्सेप्ट निकालना है. और आपको पता है कुछ के फिक्स होते हैं, जैसे Ni है, Ni में Na के ऑक्सीडेशन नंबर है और हम पर एटम निकालेंगे. हम आगे जो ट्वाइस लिखा है उसको छोड़ेंगे, पर एटम निकालेंगे. Na की है प्लस वन, I की हो गई माइनस वन. आप निकालेंगे तो निकल कर आ जाएगा Cl2, चूंकि यहां पर ये फ्री स्टेट में है तो इसलिए ये हो जाएगा जीरो. NaCl में Na की प्लस वन, क्योंकि आपको पता है कि Na फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है और आपको मैंने रूल में बताया था कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं
उनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होती है, तो इसकी प्लस वन हो गई, इसके अकॉर्डिंग सीएल की माइनस वन हो गई, और आई टू चूंकि फ्री स्टेट में है तो ये हो गया जीरो। अब हमने सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख ली। अब एक चीज आप देखेंगे, एक कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में गिब्स से पहले जो भी इसके अंदर रिएक्टेंट हैं और उन रिएक्टेंट के अंदर जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन के उपरांत कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है या नहीं। जिसकी ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं है इसका मतलब उस अभिक्रिया के अंदर वो तत्व एज इट इज पड़ा हुआ है, मींस उस रिएक्टेंट का उस तत्व से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे आप ये देखेंगे कि इस रिएक्शन में Na की प्लस वन है और गिब्स के बाद भी Na की प्लस वन है, इट मींस इस रिएक्शन के अंदर Na से कंपाउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब यदि चूंकि हमारी ये केमिकल रिएक्शन है और हमें आयनिक रिएक्शन को बनानी है, इसको हमें चेंज करना है, तो हमें चूंकि पता है कोई भी रिएक्शन उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो आप जानते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर जो दो हाफ रिएक्शन बनती हैं, क्योंकि हमने उसको रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक रिडक्शन वाली और एक ऑक्सीडेशन वाली, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो एलिमेंट गिब्स से पहले है रिएक्शन के बाद भी वो एलिमेंट होता है। अब यहां पर जैसे NaI है तो NaI के अंदर या तो ये NaI इसके अंदर Na है और इस कंपाउंड में Na है, इसमें I है वो यहाँ I2 है, इट मींस NaI या तो NaCl में कन्वर्ट हो रहा है या NaI I2 में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हमने ये देखा कि इस NaI के Na पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस वन है और गिब्स के बाद जो NaCl बना है उसमें भी Na की प्लस वन है, इट मींस इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ I की माइनस वन है, यहाँ पर I की जीरो है, इसका मतलब ये टू NaI I2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन यहाँ Cl2 है, Cl2 की जीरो है, तो नेचुरल सी बात है Cl2 तो Cl में ही कन्वर्ट होगा, तो सेकंड हो जाएगी Cl2 gives twice NaCl। अब हमें इसको आयन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर तो है ये माइनस वन और ये है जीरो, जीरो माइनस वन। अब चूंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर से हम इसको सिर्फ ले रहे हैं, वरना हमें इसको आयन में कन्वर्ट करना है। अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसकी आयनिक रिएक्शन क्या हो सकती है, इसकी आयनिक रिएक्शन हो जाएगी, आपको Na छोड़ना है, टू आगे कॉमन है, टू हमने लिखा, यहां आई लिखा है, आई लिखा, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हमने यहां लिख दिया, माइनस वन करें या माइनस करें बात एक हो गई, इसका मतलब जो टू NaI है वो टू आई माइनस में कन्वर्ट हो गई, आयन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपने ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो किसी भी कंपाउंड में उसमें जितने जो भी एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं उसके ऊपर उपस्थित चार्ज के बराबर होती है, यानी कि किसी भी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड में जो भी चार्ज होता है उसके ऊपर वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। इट मींस यहाँ पे I की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन है, इट मींस इसके ऊपर माइनस वन चार्ज है और जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है I टू में, तो इस रिएक्शन की आयनिक रिएक्शन हमारी ये हो गई, क्योंकि जब हमारी ये बनेगी तभी हम इलेक्ट्रॉन लिख सकेंगे, तो टू आई माइनस से बन गया आई टू, आपको समझ में आ रहा है। अब हमें इस रिएक्शन के अंदर चार्ज को भी बैलेंस करना होता है, तो चार्ज को हम कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूं कि यहां पर देखेंगे आप 2i माइनस गिव्स i2 हो रहा है, चलिए इसको मैं ऑक्सीडेशन में उस पॉइंट को ऑक्सीडेशन में लूंगी, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ले रही हूं, तब हम इसमें बताएंगे कि इसका क्या हो रहा है। 2i माइनस से बन रहा है i2, हमें चार्ज को भी बैलेंस करना है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है वो बैलेंस होती है, उसमें एलिमेंट और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है। यहाँ कितना चार्ज है टोटल, माइनस वन, एक चीज है दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, दो यहाँ i है यहाँ पे भी 2i है, तो एलिमेंट्स बैलेंस है। अब चार्ज को देखेंगे, ये चार्ज और ये नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं इस पे कितना चार्ज आ रहा है, माइनस टू,
यहाँ कितना है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये हो गया जीरो। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ जो चार्ज है वो माइनस टू से जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब चार्ज कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ रहा है तो हमें भी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन उस तरफ जोड़ते हैं जहां पर पॉजिटिव संख्या में आवेश ज्यादा होता है। मींस यहां माइनस के दो है चार्ज है, यहां जीरो है, माइनस दो से जीरो बड़ा है, और कितना बड़ा है, दो बड़ा है, इसलिए ये पॉजिटिव संख्या की तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ पॉजिटिव होते हैं हम उस तरफ ही इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और जितने ज्यादा होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो ये रिएक्शन क्या बन गई, 2i- gives i2+2 इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये रिएक्शन क्या शो कर रही है कि इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इसका मतलब उस रिएक्शन के अंदर कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, जिस भी कंपाउंड का, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इट मींस इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस अभिक्रिया के अंदर 2i- मींस NaI। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर NaI दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर I2 बनाता है, इसलिए इस अभिक्रिया में NaI का I2 में रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए NaI इस अभिक्रिया में रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक से निकालना है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर रफली रखा क्योंकि हमें उसे आयन में कन्वर्ट करना है। तो जो माइनस जो भी चार्ज आ रहा है इट मींस वो उसका आयन बन गया। आयन से हम तत्व को बराबर देखते हैं, बैलेंस करते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो गिब्स से पहले जोड़ेंगे या गिब्स के बाद जोड़ेंगे। गिब्स के बाद जोड़ते हैं इट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, गिब्स से पहले होते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और इस चीज को हम रिएक्टेंट के लिए बोलेंगे और पूरे कंपाउंड के लिए कि NaI का I2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आता है सेकेंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखें इसी को हम इसी इलेक्ट्रॉन से निकालें तो क्या हो जाएगा, इस पर माइनस वन चार्ज है, ये बन गई Cl2 gives 2Cl-। अब यहां पर दोनों तत्व, दोनों यहाँ पे भी Cl के टू एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी दो हैं। तो हम जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं, क्योंकि मैं आगे आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें रिएक्शन को बैलेंस करना बताऊंगी, जहां पर आपका इन सब का यूज होगा, तो आपको जब यहाँ समझ में आ जाएगा तो आपको रिएक्शन बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या चीज है, हम एलिमेंट को बैलेंस कर दिया, हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितना चार्ज है, जीरो। यहाँ कितना चार्ज है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय दिस मॉलिक्यूल्स जो इसके आगे मोड होते हैं, ये हो गया -2। जीरो से -2 मींस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इनकी संख्या घट रही है। तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, ये जीरो ही चार्ज को ही शो करता है। और जहां जो ज्यादा होता है उस तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको बताएं यहाँ पे हमने कहा पॉजिटिव संख्या यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। और जब दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि Cl2 जो है दो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, और लेने का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर Cl2 का NaCl में रिडक्शन हो रहा है, इट मींस इस रिएक्शन के अंदर Cl2 ऑक्सीडाइजिंग का कार्य करता है। तो हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से ऐसे निकाल लिया। अब हमें किससे निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से।
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से निकालने के लिए सिंपल है, रिएक्शन हमारी वही दो उन्हें हम कहते हैं हाफ रिएक्शन। अब दो रिएक्शन बनेंगी, पहली हमारी हो गई ट्वाइस एन ए आई, इससे हो गया आई टू, और सेकेंड हो गई सी एल टू गिव्स ट्वाइस एन ए सी एल, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसकी माइनस वन है, इसकी जीरो हो गई। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? माइनस वन प्रति एटम। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन कितनी है? माइनस वन प्रति एटम, और चूंकि दो है आगे तो हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा? माइनस टू प्रति मॉलिक्यूल। आपको हम एक चीज बता दें कि जब हम किसी भी कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो पर एटम की निकालते हैं, उसके बाद जो हमें बैलेंस करनी होती है तो उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ NaI के अंदर I की ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन, लेकिन यहाँ टू लगा हुआ है, इट मीन्स टू ही Na है और टू ही I है, तो आयोडीन के टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? माइनस टू प्रति मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसको आप मॉलिक्यूल बोल देंगे। अब आयोडीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? जीरो है, चाहे हम जीरो प्रति एटम कहें या जीरो प्रति मॉलिक्यूल कह दें, जीरो प्रति एटम इज इक्वल टू जीरो प्रति मॉलिक्यूल, ये है। अब देखेंगे माइनस टू से जीरो, इट मींस ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है? दो, और जब इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखोगे दोनों ही मेथड से हमारी सेम चीज निकल कर आ रही है, ये इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है NaI। अब सिमिलरली क्लोरीन में करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू जीरो प्रति एटम और जीरो प्रति मॉलिक्यूल, इसमें कितना है? ये जीरो है, ये माइनस वन है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज इक्वल टू माइनस वन प्रति एटम इज इक्वल टू माइनस टू प्रति मॉलिक्यूल, इसका मतलब हो गया जीरो से माइनस टू जा रही है, इट मींस डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज माने रिडक्शन, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में निकल कर आया कि NaI का आई टू में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया में NaI रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, और क्लोरीन का NaCl के अंदर अपचयन हो रहा है, मींस रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया कि ऑक्सीडाइजिंग कोई भी रिएक्शन दे रखी है उसमें ऑक्सीडाइजिंग को और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे ज्ञात करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।